वहाँ पर सिर्फ एजेंसीज को बुलाया गया है, वहाँ पर लाइव प्रसारण उसके द्वारा पूरा देश देख रहा है। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने पहले योग के बारे में बताया, योग की महिमा के बारे में बताया और स्वयं योग कर रहे हैं। और योग एक ऐसी चीज़ है, सिर्फ एक दिन करने से नहीं, नियमित करने से इससे खुद को शांति मिलेगी, आप स्वस्थ होंगे, आप मेंटली मजबूत होंगे, तो बहुत सारा हितकारी है। इसके बारे में महर्षि पतंजलि जी ने हजारों वर्ष पहले योग की महिमा के बारे में लिखा। वही नहीं, अनेक साधु संतों ने, अनेक ऋषियों मुनियों ने योग की महिमा के बारे में बताया। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने 2015 से वीड़ा उठाया कि हमको योग, अपनी जो भारत की जो प्राचीन परंपरा है, यानी हमारा जो सनातन, जो हमारी ताकत है, हमारा जो आधार है, हम उसको पूरी दुनिया में ले जाएंगे। और नरेंद्र मोदी ने 2015 से जो बीड़ा उठाया, आज 2024 है, लगातार ये चल रहा है। आज वो स्वयं जम्मू कश्मीर में है, आज वो हिमालय की गोद में जाकर योग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज पूरी दुनिया, पूरा UN जो है, एक स्वर में योग के साथ समर्थन दिया। आज पूरी दुनिया में योग मनाया जा रहा है, क्योंकि योग किसी को नुकसान नहीं देता। आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि ये तस्वीरें देखिए, INS विक्रांत की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा दें जरा एक बार फिर से, कैसे जो नौसेना है वो भी योग दिवस सेलिब्रेट करती हुई नजर आ रही है। INS विक्रांत पर नौसेना के ये जवान आपको नजर आ रहे हैं, नेवी के जवान जो कि इस वक्त योगासन कर रहे हैं, अलग अलग योगासन के जरिए। और आपको यह भी बता दें कि राजनाथ सिंह भी यहां पर पहुंचेंगे। तो ये देखिए, सूर्य नमस्कार इस वक्त किया जा रहा है INS विक्रांत पर। ये सभी लोग इस वक्त सूर्य नमस्कार प्राणायाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग जगहों पर इस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही है। और अब ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये INS विक्रांत की आपको दिखा रहे हैं, जहां नेवी के जवान योग दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो योग दिवस पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर में योग दिवस का नेतृत्व करते नजर आएंगे, वो तस्वीरें भी सामने आएंगी। तो वहीं ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि सेना के जवान अलग अलग जगहों पर आज योग दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जिन दुर्गम परिस्थितियों में सेना के जवान देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं, जाहिर तौर पर उनके लिए अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करना बहुत महत्वपूर्ण भी है। और इसीलिए सेना के जो तमाम जवान हैं, चाहे वो आर्मी की बात हो, वायुसेना की बात हो या फिर नेवी की बात हो, तमाम जो जवान हैं वो भी अपनी दिनचर्या में योग के महत्व को समझते हैं, योग को शामिल करते हैं। और इस बीच भूपेंद्र पटेल की भी आप तस्वीरें देख रहे हैं, और इस बीच ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे दुनिया आज भारत की संस्कृति को अनुसरण कर रही है, उसके महत्व को समझ रही है, और हर भारतीय भी आज अपनी दिनचर्या में योग को शामिल कर रहा है। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये बड़ी कवरेज लगातार रहेगी जारी। कोपा वुड बाय हिंट, बड़े आराम से सिंपोलो टाइल्स एंड बाथवेयर। विमल बोलो जुबा केसरी। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो, पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो, पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। मैं आज देश से एक बार फिर वादा करता हूं कि सच के लिए रिपब्लिक की लड़ाई कभी कमजोर नहीं होती, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। रिपब्लिक के खिलाफ साजिश रचने वाले हमेशा हारते रहेंगे। चल हो जा शुरू। और अब देखिए एक बार फिर से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, नौसेना के जवान, हिंद महासागर की ये तस्वीर, नौसेना के जवान किस तरीके से योगासन करते हुए नजर आ रहे हैं। आज जमीन से लेकर आसमान तक हर तरफ योग दिवस की धूम है। हालांकि ये इस वक्त समंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर INS को आप देख रहे हैं, और जहां ये INS
देश की रक्षा सुरक्षा में तत्पर रहता है, तो वहीं आज ये गवाह बन रहा है इंटरनेशनल योग दिवस का, जो दुनिया सेलिब्रेट कर रही है। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, अश्वनी वैष्णव को आप देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री योगासन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दुनिया में योग को सेलिब्रेट किया जा रहा है, भारत के तमाम दिग्गज इस वक्त योग दिवस सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। छोटा सा ब्रेक इन तस्वीरों के साथ।